नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस की। श्रद्धा मर्डर केस में अब दिल्ली पुलिस की सारी उम्मीदें आफताब के नार्को टेस्ट पर जाकर टिक गई हैं। नार्को टेस्ट में आफताब मर्डर से जुड़े कई खुलासे कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने आफताब के नार्को टेस्ट की तैयारी भी शुरू कर दी है। आफताब का नार्को टेस्ट कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने रोहड़ी FSL से आधिकारिक तौर पर संपर्क किया है। सोर्सेस का कहना है कि नार्को टेस्ट से पहले आफताब के कुछ जरूरी टेस्ट होने हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। जैसे ही ये सभी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, आफताब को नार्को टेस्ट के लिए लेकर जाया जाएगा। कल आफताब की 5 दिन की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है और पुलिस को उसे कोर्ट के सामने पेश करना होगा। ऐसे में कोशिश पुलिस की ओर से ये रहेगी कि जल्द से जल्द आफताब का नार्को टेस्ट किया जाए। नार्को टेस्ट में पूछे जाने वाले सवाल भी दिल्ली पुलिस ने तैयार कर लिए हैं। आफताब का नार्को टेस्ट दिल्ली रोहड़ी के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में हो सकता है। तो आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस के जांच में जुटी दिल्ली पुलिस आज आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट करा सकती है। इसके लिए सवालों की एक लंबी फहरिस्त बनाई गई है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। आफताब लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, वो सहयोग नहीं कर रहा है, जिसके चलते नार्को टेस्ट का फैसला लिया गया है। और कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ सबूत जुटाने में नार्को टेस्ट को काफी अहम तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस आफताब से कई सवाल करती नजर आएगी। तो श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की जांच का दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। इस हत्याकांड का सबसे बड़ा राजदार चुप है। आफताब के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए पुलिस की टीमें लगातार पड़ताल में जुटी हैं। कल दिल्ली पुलिस ने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ छतरपुर एनक्लेव के मैदान गढ़ी तालाब को खाली कराने की कोशिश की। पुलिस को शक है कि आफताब ने श्रद्धा का कटा सिर इसी तालाब में फेंका था। हालांकि कल तालाब को खाली नहीं किया जा सका, लेकिन आज दिल्ली पुलिस की टीम फिर इस तालाब में जा सकती है। तालाब को खाली कराया जाएगा क्योंकि अभी तक श्रद्धा का सिर बरामद नहीं किया गया है। आपको बता दें, आफताब लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है, वो अपने बयान बदलता जा रहा है। और अगर अब तक की बात करें तो कुल 15 से 17 टुकड़ों के बीच अभी तक बरामद हो सके हैं और जिनकी जांच की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर नार्को टेस्ट होता कैसे, ये क्या है। दरअसल आरोपी से सच उगलवाने के लिए ट्रूथ सीरम इंजेक्शन दिया जाता है। टेस्ट में सोडियम पेंटोथल, स्कोपोलाइमाइन और सोडियम अमाइटल जैसी तमाम दवाएं दी जाती हैं। दवाओं का इफेक्ट ऐसा होता है कि आरोपी ना तो होश में होता है और ना ही बेहोश होता है। सच बोलने की संभावनाएं ऐसे में ज्यादा बन जाती हैं। एक्सपर्ट सवाल पूछते हैं, जवाब की बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। नार्को टेस्ट में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं। और आज आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है, इसके लिए सवालों की एक लंबी लिस्ट दिल्ली पुलिस की ओर से तैयार की गई है। अब ये समझिए कि वो सवाल क्या क्या हो सकते हैं। तो आफताब के नार्को टेस्ट के लिए दिल्ली पुलिस ने करीब 50 सवालों की एक लिस्ट तैयार की है और माना यह जा रहा है कि इन सवालों के जरिए कई अहम खुलासे हो सकते हैं। वो क्या है, हम आपको आगे बताएंगे। आफताब से पहला सवाल तो यही हो सकता है कि आखिर उसने श्रद्धा का मर्डर क्यों किया है, उसके पीछे की वजह क्या रही है। आफताब से यह भी पूछा जाएगा कि उसने श्रद्धा का कटा सिर आखिर फेंका कहां है, अभी तक नहीं मिला है। कहां कहां शव के टुकड़े फेंके, मर्डर में जो वेपन इस्तेमाल किया गया है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है, उसे कहां फेंका गया है, श्रद्धा का मोबाइल फोन कहां फेंका, मर्डर के बाद कैसे सबूत मिटाए हैं, हत्या के बाद लड़की को घर बुलाया, कहा यह जा रहा है कि डेटिंग साइट के जरिए वो लगातार दूसरी लड़कियों से भी संपर्क में था, तो उसने किस लड़की को घर बुलाया था, इसको लेकर भी आपको बता दें कि पूछा जाएगा। हमारे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, कुमार सोनू रोहड़ी से और साथ ही अभय पराशर हौज खास दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, कहा जा रहा है कि आफताब का आज नार्को टेस्ट किया जाएगा और उसके लिए तैयारी भी हो चुकी है, क्या तैयारियां आज हुई हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर रोहिणी की जो FSL टीम है उससे संपर्क कर लिया है आफताब का नार्को टेस्ट कराने को लेकर, पहली बात। दूसरी बात, नार्को टेस्ट से पहले हमें समझना होगा कि इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। नार्को टेस्ट से पहले जो आरोपी है, एक्यूज है, उसके कई इंपॉर्टेंट टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि BP उसका चेक किया जाता है, पल्स रेट उसका चेक किया जाता है, हार्ट रेट उसका चेक किया जाता है और ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया जाता है। और उसके बाद जब तमाम टेस्ट की रिपोर्ट, जो भी उसका उसके टेस्ट किए जाते हैं, उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य होती है,
है, उसके बाद नार्को टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। नार्को टेस्ट पूरी दिल्ली में सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में ही होता है, जो कि रोहिणी में है, और रोहिणी में ही एफएसएल की टीम है, पहली बात। दूसरी बात, जब नार्को टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तो उस दौरान जो नार्को टेस्ट रूम है उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के डॉक्टर्स होते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, इसके अलावा सीएफएसएल के फॉरेंसिक एक्सपर्ट होंगे, पुलिस की तरफ से भी एक आला अधिकारी उसमें रह सकता है, और उस दौरान जो एक्यूज है उसे सबकॉन्शियस किया जाएगा, सबकॉन्शियस करके उससे जो है सवाल जवाब पूछे जाएंगे, फहरिस्त तो पूरी तैयार कर ली है दिल्ली पुलिस ने, वो सवाल जो है उससे पूछे जाएंगे, उसके बाद जो वो जवाब देगा उनकी बकायदा कैमरे पर रिकॉर्डिंग की जाएगी, ताकि बाद में अक्यूज इस बात को मुकर न सके कि उसने ऐसा नहीं बोला है। जो फाइनल रिपोर्ट होगी तो उसका सबमिशन कब तक करना होगा, और कहा यह जा रहा है कि नार्को टेस्ट से पहले आफताब की मंजूरी भी जरूरी होगी, तो क्या ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है अभी तक? देखिए बिल्कुल, कोर्ट में जब आफताब को पेश किया था दिल्ली पुलिस ने रिमांड के लिए, तो उस दौरान कोर्ट में पूछा था कि आपको कोई एतराज तो नहीं, आपका नार्को टेस्ट किया जा रहा है, तो उसने कहा था कि मेरी कंसेंट है नार्को टेस्ट को लेकर, तो उसने अपनी पूरी कंसेंट दे दी थी नार्को टेस्ट को लेकर। अब श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का आज नार्को टेस्ट हो सकता है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है, क्योंकि कल दिल्ली पुलिस को आफताब को कोर्ट में पेश करना है, और वहां से माना जा रहा है कि और जो है रिमांड बढ़ाने की मांग दिल्ली पुलिस कर सकती है। लेकिन आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि नार्को से पहले जो भी प्री टेस्ट होते हैं वो ने आज कंडक्ट किया जाएगा, उनकी रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट आने के बाद अगर जो रिजल्ट हैं उसके टेस्ट के वो सामान्य रहते हैं, तो आज उस नार्को टेस्ट को दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में कंडक्ट किया जाएगा। बिल्कुल कुमार सोनू, और ये भी देखना होगा कि आखिर ये नार्को टेस्ट किस तरह से किया जाएगा, क्या सवाल पूछे जाएंगे, और कहा यह जा रहा है कि नार्को टेस्ट के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस को आफताब के मोबाइल से कई ड्रग तस्करों के कॉन्टैक्ट्स भी मिले हैं। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच करेगी कि आखिर ये ड्रग्स कहां से लिए जा रहे थे। आफताब के ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े लिंक की भी जांच हिमाचल के तोश जाकर की जा रही है। तोश गांव हिमाचल के कसौल के बॉर्डर पर है, और इससे पहले पुलिस ने तोश के उस गेस्ट हाउस में भी जाकर पूछताछ की थी, जहां कुछ महीने पहले अप्रैल का वो महीना था जब श्रद्धा और आफताब वहां पर रुके थे। पुलिस वहां पर भी जाकर पूछताछ कर चुकी है, लेकिन कई चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। अब ड्रग्स सिंडिकेट का भी पता लगाने की जांच की जाएगी। दरअसल आफताब ड्रग्स लिया करता था और वो हिमाचल के तोश गांव से ड्रग्स मंगाता था, और अब उसकी जांच भी की जाएगी। हिमाचल के तोश पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम अब इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि आफताब के कितने ड्रग तस्करों से कॉन्टैक्ट्स थे। क्या आफताब खुद का बड़ा ड्रग्स सिंडिकेट खड़ा करना चाहता था? क्या आफताब श्रद्धा से भी ड्रग तस्करी कराना चाहता था और मना करने पर उसने उसका कत्ल कर दिया? इससे पहले दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आफताब ने खुलासा किया कि उसने गांजा पीने के बाद श्रद्धा का मर्डर किया था। और हमारे सहयोगी अभय पराशर भी खास दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अभय, अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर एक नया एंगल ये भी सामने आ रहा है कि वो जब हिमाचल गया था या वहां पर उसने ड्रग्स ली थी, अब उसके ड्रग्स सिंडिकेट का भी पता लगाया जाएगा, ये जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए बिल्कुल, इस पूरे मामले के अंदर दिल्ली पुलिस की एक टीम हिमाचल में पहुंची। हिमाचल में कसौल के आगे एक तोश गांव पड़ता है, और मैं आपको बता दूं ये जो गांव है ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे पड़ता है, और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कसौल से कटा हुआ है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हर घर में ज्यादातर चरस जो है वो इस्तेमाल की जाती है, और जो नशे के जो शौकीन लोग हैं और जो तस्कर हैं वो सबसे ज्यादा तोश गांव में रहते हैं। दिल्ली पुलिस को जांच में ये पता लगा कि इसी गांव के अंदर आफताब और श्रद्धा जो है वो गए थे, और इसी वजह से पुलिस ने अपनी जब जांच को आगे बढ़ाया तो ये पता लगा कि आफताब के मोबाइल फोन से तोश गांव के कई ड्रग्स जो तस्कर हैं उनके मोबाइल नंबर मिले हैं। पुलिस को जांच में ये पता लगा था कि ये गांजा पीता है, गांजा पीने के साथ ये भी पता लगा है कि जो आफताब है ये चरस का शौकीन है। अब इसके मोबाइल से तोश गांव के कुछ ड्रग तस्करों के नंबर मिलना इस और इशारा करता है कि क्या ये सिर्फ ड्रग्स लेने का शौकीन के अलावा तस्करी में इसके सिंडिकेट में शामिल तो नहीं है। और क्योंकि ये पता लगा था 15 से 20 लड़कियों को डेटिंग ऐप के जरिए ये डेट कर रहा था, इसके कॉन्टेक्ट में थी, श्रद्धा को लेकर भी ये वहां पर गया था, तो क्या इसकी इस तरीके की मंशा तो नहीं थी कि लड़कियों के जरिए ड्रग्स की
तस्करी ये करा सके। और यही वजह है कि पुलिस इस गांव में पहुंची, तोस गांव में। ये बताया जा रहा है कि इस तोस गांव में शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, वहां पर कई जो ड्रग्स तस्कर है उनसे पूछताछ हुई। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि इस गांव के अंदर जो भी कोई गेस्ट आता है या कोई रुकता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता, ताकि कानूनी जो दाव पेच है उसमें आगे कोई ना फंस सके। पुलिस भी डरती है इस गांव में जाने से, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। और यही वजह है कि इस हत्याकांड की जांच अब ड्रग सिंडिकेट से जुड़ रही है। अब एक और सवाल, चूंकि अब ये तो साफ हो चुका है कि आफताब ड्रग्स का आदि था, वो लगातार ड्रग्स ले रहा था, लेकिन सवाल ये उठता है क्या ये जब मुंबई में रहता था तभी से ड्रग्स ले रहे हैं या दिल्ली आने के बाद इसने ड्रग्स लेना शुरू किया? इस बारे में अभी तक कोई खुलासा हो पाया है? देखिए बिल्कुल, अब तक जो ये पूछताछ में खुलासे कर रहा है, हालांकि सारी चीजों की तस्दीक होगी नार्को टेस्ट के बाद, जो बहुत जल्द हो सकता है, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इसके मोबाइल फोन से जो नंबर मिले हैं वो ड्रग तस्करी की तरफ, ड्रग सिंडिकेट की तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात जो आपने सवाल पूछा, जो हमारे सूत्र है ये मुंबई से ही गांजा और चरस जो है उसका शौकीन रहा है, ये ड्रग्स कंज्यूम किया करता था। और दूसरी बड़ी बात जो इसकी इस पूरे केस को इस तरफ इशारा करती है कि इसके जो दोस्त हैं, जो हमारे सहयोगियों ने इसके दोस्तों के इंटरव्यू करके दिए हैं, श्रद्धा के दोस्तों के इंटरव्यू करके दिए हैं, साल 2020 में नाला सुपारा पुलिस स्टेशन में जो एक शिकायत की थी श्रद्धा ने, बुरी तरीके से मारा पीटा था और उस जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो बहुत खतरनाक थी, और उसके दोस्तों ने यह भी इशारा किया था ये ड्रग्स जो है कंज्यूम करके मारता पीटता था। और जिस दिन यानी कि 18 मई को जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उस दिन भी इसने पूछताछ में बताया है कि ये गांजा ये बाहर से पीकर आया था और गांजा पीकर ही इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, और पूरी रात बॉडी के साथ ये वहां पर गांजा पीता रहा। तो ये ड्रग्स का सेवन करता है, ये बात तो इसने पुलिस के सामने खुलासा किया है, लेकिन ड्रग्स का सेवन करना और ड्रग्स की खरीद फरोख्त करना ये एक अलग मैटर है। क्या उसमें लड़कियों का इस्तेमाल तो ये नहीं करता था? बिल्कुल अभी। और ये बड़ा सवाल है कि मल्टीपल डेटिंग ये लगातार कर रहा था, अलग अलग डेटिंग एप्स के जरिए लड़कियों से कॉन्टेक्ट में था, फिर श्रद्धा को हिमाचल लेके जाते हैं, और फिर ड्रग सिंडिकेट का भी अब खुलासा इस पूरे मामले को लेकर होता जा रहा है। बने रहिए एसीबी जी को। और बड़ी खबर आ रही है, वसई पुलिस ने दो लड़कियों की पहचान कर ली है, डेटिंग ऐप के जरिए दोनों लड़कियों के संपर्क में आफताब आया था। जल्दी पुलिस दोनों लड़कियों का बयान भी दर्ज करेगी। पुलिस को दो और लड़कियों की तलाश है। आपको बता दें कि श्रद्धा के मर्डर के बाद भी आफताब दिल्ली में भी अपने कमरे में एक लड़की को लेकर आया था, उस लड़की की भी पहचान की जा रही है। कुमार सोनू हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, देखिए ये किस तरह से इसका माइंडसेट था, ये तो बिल्कुल खुलकर अब सामने आ चुका है। मल्टीपल डेटिंग ये मुंबई से ही कर रहा था, और अब पुलिस ने दो लड़कियों की पहचान कर ली है, दो की तलाश। तो क्या ये उन लड़कियों से भी, जैसे कि अभी अभय बता रहे थे कि जब ये मल्टीपल डेटिंग कर रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सबको ड्रग्स की तस्करी के लिए इस्तेमाल करने वाला था? देखिए तमाम एंगल्स को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी जांच कर रही है। कई राज्यों में लगातार पुलिस की टीमें इस वक्त खोजबीन कर रही है, सर्चिंग ऑपरेशन जो है दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक चलाया हुआ है। मुंबई हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, इन तमाम राज्यों में गवाहों की तलाश में इस वक्त दिल्ली पुलिस जगह जगह जा रही है। तो ये तमाम एंगल्स है, क्योंकि हत्या इसमें सिर्फ एक लड़की की हुई है, लेकिन जो केस है वो बहुत बड़ा है, कई राज्यों से जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात क्रूरता जो है इस केस में बहुत ज्यादा हुई है, पहली बात। दूसरी बात, डेटिंग ऐप की बात करें तो कई लड़कियों को जो है ये डेटिंग ऐप के जरिए संपर्क में था, उनसे कांटेक्ट करता था, उनसे बात करता था। और इतना ही नहीं, जो हमारे पास खबर आई दिल्ली पुलिस के सूत्रों से वो ये कि जिस दौरान इसने श्रद्धा हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके शव के टुकड़े फ्रिज में रखे, तो उस दौरान घर पर जो है अपनी एक गर्लफ्रेंड को इसने बुलाया था, जो कि डेटिंग ऐप के जरिए ही इसके साथ संपर्क में आई थी, और वहां पर जो है उसको बुलाया, उसके लिए खाना कुमार सोनू बने रहिएगा। मुंबई से हमारे साथ राजीव भी जुड़ चुके हैं। राजीव, अभी तक मुंबई में क्या खुलासा हुआ है? कहा यह जा रहा है कि दो लड़कियों की पहचान हो चुकी है, उन्हें जल्दी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जो श्रद्धा और आफताब के दोस्त थे उन्होंने भी इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए इस बात की जानकारी दी थी कि आफताब का कई लड़कियों के साथ में रिलेशनशिप रहा है, दोस्ती रही है, और बेहद नजदीकी दोस्ती रही है। इस बात को लेकर श्रद्धा हमेशा विरोध भी करती थी। फिलहाल ऐसी चार लड़कियों की जानकारी जो है दिल्ली पुलिस को मिली है, जिसमें दो लड़की ऐसी है जो कि वसई इलाके में रहती है, लेकिन दो लड़कियां ऐसी हैं जो कि मुंबई में रहती हैं। जानकारी यह है कि एक बोरीवली की रहने वाली है, दूसरी बांद्रा इलाके की रहने वाली है। फिलहाल बांद्रा और बोरीवली
रेवाड़ी इलाके में रहने वाली उन दोनों लड़कियों का आइडेंटिफिकेशन अभी तक दिल्ली पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन वसई इलाके में जो रहने वाली जो दोनों लड़कियां हैं उन दोनों की शिनाख्त हो गई है। हो सकता है कि दिल्ली पुलिस इनसे भी पूछताछ करे। फिलहाल आज दिल्ली पुलिस ने जो जितने भी मकान मालिक थे जहां जहां पर श्रद्धा और आफ्ताब रहे हैं उन लोगों का तो बयान दर्ज किया, साथ ही साथ अभी तक इस पूरे मामले में श्रद्धा के जितने भी दोस्त रहे हैं, जिन लोगों से श्रद्धा ने मदद मांगी थी, उन तमाम लोगों का बयान दर्ज किया है। अभी एक और महिला जिनका इंटरव्यू इंडिया टीवी ने दिखाया था उनका भी बयान दिल्ली पुलिस दर्ज कर सकती है, पूनम बिडलानी का, यह जानकारी दिल्ली पुलिस के हवाले से आ रही है। बाकी गॉडविन और राहुल जिन्होंने मदद की थी उनका बयान पुलिस ने दर्ज किया है। कल उस शख्स का भी बयान दर्ज किया गया जिसने आफ्ताब का सामान जून महीने में दिल्ली के छतरपुर इलाके में शिफ्ट कराया था। तो दिल्ली पुलिस कड़ी दर कड़ी अब जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से आफ्ताब ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, साथ ही साथ वो अपने आप को एक नॉर्मल सामान्य आदमी के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा था और हत्याकांड के बाद उसने किस तरह से बिल्कुल राजीव किस तरह से बर्बरता की है वो सबके सामने है। और इसी को लेकर आज नार्को टेस्ट की भी तैयारी है कि आखिर उसने श्रद्धा का मर्डर क्यों किया, इसके पीछे का इंटेंशन क्या था, मोटिव क्या था, तमाम चीजों की आज नार्को टेस्ट के जरिए पड़ताल करने की कोशिश की जाएगी। आप सभी बने रहिएगा इंडिया टीवी, हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।